मैंने फिर बाद में देखा क्रॉस मुझे। हो गई मीटिंग। अच्छा प्रैक्टिस इतने ज्यादा बच्चों ने सेंड की नहीं, और जिन्होंने सेंड की है ना उन्होंने आयात वगैरह ज्यादा लिखी है और तख्ती नहीं लिखी। चलिए खैर कोई बात नहीं। और अच्छा आपने बाघ की तख्ती भेज दी है। कोशिश करें इससे जो है ना आगे वाला जो सबक है जो बताया हुआ है मैंने जीन की तख्ती वो भी जो है कोशिश करें, या अगर आपको ज्यादा ही मुश्किल हो रही है ना फिर आप तख्तियों को छोड़ के बेशक जो है ना मुफरदात की ही मश्क करें ज्यादा, और उसके बाद डायरेक्ट बेशक थोड़ी बहुत की दरमियान मुफरदात की कर लिया आपने अलिफ से या तक, और फिर उसके साथ थोड़ी बहुत जो है आयात वगैरह उनकी मश्क कर ली, ये ज्यादा बेहतर है ठीक है, बजाय इसके कि आप बहुत ही जो है ना पीछे से चेक करवाएं। चलें ये भी माशाल्लाह वैसे लिखा तो बेहतर है आपने, दरमियान में देखें गैप बहुत ज्यादा है ठीक है, ये सब का एक कद देखें एक कद खुला है बिल्कुल, एक कद यानी ना और क्लोज होना चाहिए थोड़ा, और पहले से जो है ना इसको उठाएं आप ऊपर, ये गैप थोड़ा ज्यादा है ठीक है, इस वाले का गैप थोड़ा बेहतर है लेकिन इसका पहला पार्ट थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया। ये प्रैक्टिस वैसे आपने पुरानी चेक करवाई है, ये देखें कितना इसमें से जो है ना ऊपर नोक सी निकली हुई है, और ये वाला जीन का आपने पहला पार्ट यहाँ से अच्छा ज्वाइन किया लेकिन इसको और नीचे लेके आना है ठीक है, ये और नीचे आएगा सब में ही माशाल्लाह, दायरा अच्छा बनाया हुआ जी मुरसला का आपने, और दाल की जो ज्वाइनिंग है देखें ये एंगल बन रहा है आपका ठीक है, बाद मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी सीधा एंगल ये थोड़ा बेहतर है कदरे बेहतर है, इसी तरह ये वाला एंगल देखें ऊपर इसका मुंह जो है ना इसकी तरफ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसी की तरफ फेस कर रहा होता है इसका मुंह ठीक है, ये बड़ा भी हो गया। तेरा बार और जो है यहाँ से मोटी बहुत हो गई है ठीक है, इसको आपने ऊपर से लेके आना है कर्व के साथ, हत्ते सुलस में जो है ना मेन सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो यही है कि चीज कोई भी देखने में आपको कुछ लग रही होगी ठीक है, जबकि एक्चुअल में जो है ना वो सीधी नहीं होगी उतनी ठीक है, वो कर्व के साथ है, इसकी एक्चुअल जो शेप है कर्व के साथ आ रही है, वो बिल्कुल सीधी कभी भी नहीं है, जो आप सीधा कलम ले आते हैं ना सीधा नहीं है, कलम हमेशा हिलता है उसकी मूवमेंट होती है, आप अपने हाथों से ठीक है फिंगर्स को जो है ना मूव करते हैं तरीके से, काम आपने वैसे अच्छा किया है। थोड़ा सा जो है ना सीक्वेंस में लिखा करें लाइन में थोड़ा सा गैप देके इसको, बेशक इससे भी ज्यादा अच्छी ऑप्शन थी आपकी काम करती ये जो लिखा है ना आपने बेशक इसी डायरी के ऊपर हॉरिजॉन्टल में लिखती ठीक है, एक इस तरह लाइन आती है एक इस तरह, और आपकी जो है ना तख्ती कंप्लीट हो जाती पूरी। स्वाद की जो इनिशियल शेप है ना स्वाद सीन में थोड़ी बेहतर है, वरना इसमें भी देखें यहाँ पे ज्वाइन जो है ना सही नहीं किया हुआ आपने, ये देखें कितना पतला हो गया, ये बात मैंने आप लोग को बताई हुई है, ये एक ही लाइन पे आ गए हैं तकरीबन ठीक है, ये रॉ देखें नून लग रही है पूरी, ये यहाँ तक आएगी बस, इससे ज्यादा बड़ी नहीं करनी आपने रॉ। अच्छा तो आप यहाँ देखें कितना गैप सा आ रहा है आपका, इसमें देखें नून का दायरा कितना छोटा हो गया, बड़ा हो गया ये ठीक है, आपने अच्छा अलग अलग लिखना, मैंने तो समझाने के लिए एक ही में बनाए थे, आपने इस तरह नहीं बनाना ना वाव में ना काफ में, वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, आपने क्यों इस तरह लिखना, आप अलग अलग लिखें अलग अलग मश्क करें ठीक है, ये देखें का लाम भी जो है ना आगे जाएगा थोड़ा, पांच कद का होता है जिस तरह काफ पांच कद का आ जाता है पांच छह कद का, इसी तरह लाम भी उसी की तरह शेप बनेगी उसकी, आपने छोटा बनाया उसको। स्वाद मीम में यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है, एक कद का गैप होता है ठीक है, मीम का सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया, इसी तरह या कहीं यहाँ से देखें शेप थोड़ी बेहतर ओवरऑल, अंदर वाली जो है स्वाद की आई थोड़ी बड़ी होगी, यहाँ पर देखें नोक सी बन गई है ठीक है, और यहाँ पर देखें जिस तरह जीम में नहीं आप खम लेके आते हैं, आपका जीम में भी कम है उसी तरह लेके आते हैं ठीक है, थोड़ा सा खम के साथ आता है पार्ट, सीधा कभी भी नहीं होता जिस तरह आपने पूरा का पूरा जो बनाया हुआ ना इस तरह नहीं बनाते। अच्छा ये किसकी मश्क है जो है वैसे आपके जो है माशाल्लाह मुफरदात जो है मुफरिद काफी हद तक जो है ना बेहतर हो गए हैं, और इनकी जो है मजीद मश्क करें, देखें जीम क्या कहते हैं इसको जीम मजमूआ पहले से कितना बेहतर हो गया माशाल्लाह, अभी जो है अगर बेशक मैं आपकी तो पुरानी प्रैक्टिस निकाल लूँ ना ठीक है, मेरे पास तो खैर इतना मीडिया पड़ा ना हो, लेकिन आप खुद जो है ना कंपेयर कीजिएगा आज की डेट से, और जब आपने स्टार्ट किया था शुरू शुरू में लिखा था आप अपनी इसकी शेप खुद देख लीजिएगा ठीक है,
खुद देख लीजिएगा, आपका जो है मुझे अच्छी तरह याद है गैप कितना ज्यादा होता था, ठीक है, अब कितना कम हो गया है। माशाल्लाह शुरू वाली शेप बेहतर हो गई, तो यहाँ से थोड़ा सा और जो है ना बेहतर हो सकता है ये। इसी तरह दाल का देखें, ये वाला ज्वाइन और ताज जो है ना थोड़ा सही नहीं अटैच हुई, ये देखें बहुत ही लंबा हो गया है, ऐसे नहीं हल्का सा ऊपर और यहीं से नीचे लेके आना था इसको। ये रॉ अच्छी लिखी है लेकिन थोड़ी सी टिल्ट लग रही है, ठीक है, शेप इसकी अच्छी है। सीन में देखें जो है ना गहराई सीन की ज्यादा हो गई है, गहराई हाफ कट होती है, ऊपर से मेजरमेंट देखें तो 1-1.5 कट आती है, लेकिन जो डेप्थ होती है वो हमेशा हाफ कट होती है। फा की आई पहले से बेहतर है लेकिन मजीद इम्प्रूव होगी, ठीक है, गैप भी कम हुआ आपका माशाल्लाह। आइन की जो है ना शेप्स बहुत अच्छी बनाई है, स्वाद थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है, तो आ के अंदर देखें 1 कत से ज्यादा आ रहा है, स्वाद के अंदर 1.5 कत आना चाहिए, आगे भी थोड़ा ज्यादा निकाल लिया आपने। काफ बड़ा हो गया तो वाव लग रहा है, ठीक है, काफ तो हमेशा बड़ा होता है, नीचे से आएगा। और ये वाला काफ देखें यहाँ से सीधा बनाया आपने, हा के अंदर की स्पेस ज्यादा है, इनकी जो है ये वाली ज्वाइनिंग नहीं ठीक। मीम में भी देखें रॉ वाली गलती क्यों हुई, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये जो है ना आपकी काम खराब है। नून का अच्छा दायरा कदरे बेहतर है, हा का थोड़ा नेगेटिव स्पेस ज्यादा है। अच्छा बाकी तख्ती अच्छी लिखी हुई है यहाँ तक, बार रॉ में भी वही, ये जो रॉ की शेप है ना ठीक करें, ठीक है, मशकों को देख देख के ना ठीक करें, थोड़ा सा गैप ज्यादा आएगा इनके दरमियान। दायरा ये वाला थोड़ा बेहतर बना हुआ है, तो अच्छी लिखी हुई है। बाकी आपने जो एक कंपोजिशन भेजी थी वो भी जो है ना मैं देखता हूँ और उसके बारे में भी बताता हूँ। अच्छा कोई चलें ठीक, बाकी मेरा नहीं ख्याल इतनी कोई खास चेक करने वाली चीज है। ये किसकी प्रैक्टिस है, अच्छा ये चले, अच्छा ये तख्ती जो है ना पूरी नहीं लिखी हुई, पूरी लिखनी है आपने, ठीक है, और आपको मैं Day 1 से कह रहा हूँ तो ग्लॉसी शीट लें। दूसरा जो है ना फाउंटेन इंक ना यूज करें, ठीक है, फाउंटेन इंक जो है ना वो चले मजबूरी के तहत तो बंदा इस्तेमाल कर ले जब कोई चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोशिश करें उसको अपनी आदत ना बनाएं, ये जो है ना बड़ी खराब इंक है कैलीग्राफी के लिए, ठीक है, बड़ा रुकती है, कलम को भी आपका खराब करती है, तो ये जो है ना बिल्कुल भी जो है ना फेवरेबल नहीं है इसके लिए कैलीग्राफी के लिए, खास तौर पे कलम के साथ। चलो पेन के साथ अगर लिख रहे हैं तो वो एक अलग बात है, ठीक है, कलम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखें कितना गलत जो है स्ट्रोक बना हुआ है, ये देखेंगे नीचे तो थोड़ा सा लाएं, ठीक है, यहाँ से इसको, अच्छा ये जो कह रहे हैं ना किसी ने ग्रुप में तो नहीं मैसेज किया, ओहो 1 मिनट में जो है ना एक सुनूंगी, लिंक का कह रहा है, मैं उसको लिंक भेज दूँ। अच्छा आप सबको ना जो है ये मैंने लिखने का कहा था, चलिए अच्छा मैं आ गया वापस। अच्छा आपको इसको मैं कह रहा था कि जो है इसका दायरा देखें थोड़ा सा और ऊपर चला गया, इसी तरह इसमें देखें ये थोड़ा सा देखें स्वाद की समय जो है जुल्फ निकालनी होती है, बताया था ना मैंने चीजों को देखें देखा करें, आप लोगों के पास टाइम इतना होता है उस हिसाब से जो है ना मश्क करते नहीं, वरना आप लोगों की जो है ना मैं अगर सही सही देखूं और बताऊं आप लोगों की इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह काफी होगी ना, बहुत अच्छी है, ठीक है, यानी पहले से एटलीस्ट बहुत बेहतर है, ये मैं बता दूं कि खत्ते सुलस जो है ना बजाते खुद एक मुश्किल जो है खाता है, ठीक है, इसमें सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा है, बार में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, तो सीखने के लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, खास तौर पे जैसे आप में से काफी ज्यादा हैं जिन्होंने कलम भी पहली दफा पकड़ा है, तो उनके हिसाब से आप लोगों की इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक चीजें पता चल गई, ठीक है, आप लोगों के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए खताती से लेके, आपको रिवायती खताती के बारे में कुछ पता चला, बाकी खत्ते सुलस के आप मश मुश करते रहें, ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है ना कुछ और टाइम बाद जाना आपको मजीद बेहतर हो जाएगा इसकी मश के लिए, सही तरह जो है ना खत्ते सुलस आपको आने के लिए एटलीस्ट जो है ना कम से कम साल तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा, डिटेलिंग बहुत ज्यादा खत्ते सुलस में, ठीक है, बहुत जो है ना लंबा खाता है, लंबा अरसे तक चलता है, ठीक है। तख्तियों का सबक भी मैं आपको इतना बता दूं, हमने जो है ना मैंने तो खैर खत्ते सुलस की नहीं लेकिन बाकी खतों की जो तख्तियां जी हमें मिलती थी ना, मैं तो आपको पूरी पूरी करवा रहा हूँ ना ऑनलाइन क्लास में जो है टाइम पे पूरा करने के लिए, वरना हमें तख्तियों का भी ऐसे सबक मिलता था, स्वाद अलिफ स्वाद बे बस, ठीक है, अब यह करवाएंगे तो स्वाद जी मिलेगा,
ठीक है, ये करवाएंगे तो स्वाद, ये चेक करवाएंगे तो स्वाद वाद मिलेगा, इस तरह कर करके तख्ते निकालते हैं। तो वो उसमें करने में ना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत टाइम लगता है। तो उसके बाद जो है फिर जो है ना बंदे का खत साफ होता है और खताती आती है। तो खत सुलस में डिटेलिंग ज्यादा, तो इस वजह से मैं कह रहा था इसके लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन आप लोगों का जो है ना, आप लोगों के हिसाब से माशाल्लाह काफियों का बहुत बेहतर हो गया काम। बस जो है मेन चीज इसमें यही, आप लोगों के लिए मेन चीज जो मैं बार बार कहता हूँ कि ना छोड़ना नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस जो है ना किसी सूरत नहीं छोड़नी चाहिए। आप देखो कोई है ना इसके अंदर कोई अलग से कोई टाइम नहीं निकालना अपनी जो है रूटीन में, लाइफ में, इसी के अंदर बिजी लाइफ में जो है ना आपने टाइम निकालना। कोशिश करें कोई एक दिन जो है ना आपका ऐसा ना गुजरे जिसमें आपकी मश्क ना हो, ठीक है, थोड़ा लिख लें, लिखें जरूर, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर लिखें, आधा घंटा लिख लें, घंटा लिख लें, ज्यादा से ज्यादा आपको फ्री में टाइम मिल रहा है आप और ज्यादा लिखें। ये देखें आईना, आपको पता है इससे बाहर नहीं आता और ये दायरा बहुत बड़ा हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर देखें किसी ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन नुक्ते लगाने की जरूरत है आपको, क्योंकि मुझे इतने देखने से आपको पता लग रहा है शेप थोड़ी सी खराब है, आप उनको बेहतर करें, नुक्ते लगाने में क्यों टाइम जाया करना है, ठीक है। बा वाली जो है ना पूरी वो बनानी है, लाम की शेप यहाँ से जो है ना काफी थोड़ी सी कमजोर है, स्वाद की जुल्फ निकाल ली होगी आपने, मीम की भी यहाँ से थोड़ी सी कमजोर है। प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह जो है ये थोड़ा बहुत है ना ये भी जो है ना मजीद बेहतर हो जाएगा। अच्छा और तो नहीं किसी का कोई काम रह गया। अच्छा ये जो है ना दो स्टूडेंट ने जो है ना कंपोजिशन भेजी थी, उनका भी मैं एक चीज बता दूं आपको, वो ये है कि देखिए अभी जो है ना मैंने आपको इंशाल्लाह सिग्नेचर भी किया है। अच्छा अभी जो है ना मैंने आपको कोई जली की जो है ना कंपोजिशन बनाना नहीं सिखाई ना इसके बारे में कुछ बताया, तो कोशिश करें अभी के लिए जो है ना इसको दूर ही रखें, ठीक है, ये लिखना इतना आसान नहीं है, जाहिर है कोई सीक्वेंस होता, अब ये थोड़ी है देखें वईजा की आयत लिखी हुई है दूसरे पारे की, वईजा सअलका इबादी, ठीक है, अगर आप में से किसी को नहीं समझ आ रही मैं बता ही दूं, ये इबादी फइन्नी करीब, ठीक है, वईजा सअलका इबादी इन्नी करीब, ये कहाँ से आ गया है। चलो अच्छा जो भी लिखा है, तो आप इसमें मेन चीज ये देखें कि जो दाल है ना ये ऊपर इस तरह कभी भी नहीं आता, कभी भी, ठीक है, और इस तरह इसको कभी भी एडजस्ट नहीं करते, ये जो या है ना ये आप ऊपर फिर भी लिख सकते थे, इन सब के ऊपर यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेती कंपोजिशन में, ये दाल ऊपर बिल्कुल भी ना ही अच्छा लग रहा, ठीक है, कंपोजिशन अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश किया और माशाल्लाह कोशिश अच्छी है इनकी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कंपोजिशन का अगर पूरा जो है जाविया देखा जाए ना उसमें खराबी है, और उसकी मेन वजह यही है जो मैंने आपको बताई है कि अभी मैंने आपको ये चीज सिखाई नहीं, मैंने आपको जो है ना खफी में लिखना सिखाया, लाइनों में उसके थोड़े बहुत रूल्स बताए हैं, ठीक है, वो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, तो आप कोशिश करें लाइन में ही लिखें, ठीक है, यानी ऊपर नीचे करके ना लिखे मिक्स, वो जली वाली कॉम्बिनेशन वो मैं थोड़ा आगे जाके आपको ना इसके बारे में भी बता दूं, ठीक है, ये बहुत आगे की चीज है जली में कॉम्पोजिशन बनाना, अभी के लिए जो है आप जो चीज मैं बता रहा हूँ बस जो है ना वहीं तक ही रहे तो बेहतर है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आसानी होगी, वरना अचानक से जो है सब अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो जो है ना मुश्किल ज्यादा होगी और काम खराब ज्यादा होगा। बाकी कोशिश बहुत अच्छी है, ठीक है, आज जो है ना आईन की जो शक्लें बनाई है ना आपने, इनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, और बाकी जो है कोशिश माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है आपकी, कोशिश जो है करती रहनी है। आइन की जो है हम आज तख्ती करने लगे हैं जो कि काफी ज्यादा जो है अहम भी है, अहम इस लिहाज से भी है कि एक तो आइन का इस्तेमाल होता है और आइन की जो शक्लें हैं ना उनके ऊपर थोड़ा सा थोड़ा बहुत जो आप कह लें इख्तलाफ भी पाया जाता है, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना आइन की शक्लें जो है ना इस वजह से कुछ ज्यादा ही जो है ना अहमियत की हामिल है। अच्छा आप लोगों की जो है मैंने लास्ट टाइम तो आ की तख्ती करवाई थी, तो आ की तो वैसे किसी एक ने भी नहीं चेक करवाई, भी इन्होंने चेक करवाई थी शायद वो क्लास में भी नहीं आए। पुरानी जो है कुछ आप लोगों की मिस्टेक फिर वही थोड़ी बहुत डिस्कस कर दूं। अच्छा बा अलिफ का देखें छोटा सा बनाइए पहला पार्ट, ठीक है, एक हद का, इसकी डेप्थ भी देखें कितनी छोटी है, नहीं जो चौड़ाई है, पहला पार्ट ही जब आप इतना मोटा बनाएंगे ठीक है तो काम खराब हो जाएगा।
इसको देखें। इसके अंदर अब गैप देखें कितना कम है, पूरा पूरा देखें का फंसा रहा है, ठीक है। इसके साइडों पे स्पेस नहीं होना चाहिए, ये गैप कम रखेंगे तो ज्यादा जो है ना ये खूबसूरत लगेगा। बल्कि ये जो पहला पार्ट है डेट तक का होता है, बाघ की पहली शक्ल है ये, ठीक है। बे में ये वाली शक्ल बनती है, ठीक है। ये इसका भी अच्छा देखें, एक चीज और आपको बताऊं, बे में देखें ये, इसको यहीं से जो है ना ऊपर उठाएं ऐसे करके, इससे थोड़ा सा नीचे है। अब यहां से मिलाएं ऐसे, और जो है ना बे बनानी है हमने, ठीक है। आप गलती ये कर रही थी, ये जो है ना यहाँ से आपकी नोक निकल रही थी, ठीक है। इसी तरह एक स्टूडेंट की गलती ये थी, वो ये शक्ल देखें सब में इस्तेमाल होती है बात जीम की, ठीक है। इसको सही तरह यहाँ पे जो है ना लचक नहीं दे रही थी, खम नहीं दे रही थी, ठीक है। वो यहीं से जो है ना ऐसे करके कर रही थी, तो ये जो है ना गलत है, इसको सही तरह बनाना है। इसी तरह फिर यहाँ से कुछ लोग यहाँ से बना लेते हैं, देखिए यहीं पे ही रख के इसके ऊपर से पूरा लिखे हैं, ठीक है, पूरा ओवरलैप है। और इसके बाद जो है आपकी कोई जी मुर्सल आ जाती है। गलतियां से मुझे वही जो है मैं बार बार बता रहा हूँ, तो बस स्वाद की से शक्ल देख लें, स्वाद की शक्ल का इतनी दफा बात बताइए। यहां से कलम मोटा करें, बेस लाइन के ऊपर रोकें, थोड़ा सा नीचे लिखे हैं, ठीक है। पेट कद का खुद ब खुद जो है अंदर गैप आ गया। तीसरे हिस्से से इसको हल्का सा ऊपर उठा दें, यहाँ पर देखें आधा कद का गैप आ रहा है, ठीक है। इसका दायरा, दायरे की जो है आप अच्छी तरह मशक करें, हम लोग बार बार करें। अच्छा जो है बगैर टाइम जाया कि जो है ना आइन की जो है उसके ऊपर आते हैं, आइन की तख्ती के ऊपर। अच्छा आइन की जो है ना आइन जब हमने मुफरद में लिखा था तब तो आप लोगों ने देखा कि कैसे उसकी एक शक्ल बनती है। अब उसकी जो आइन की मुरक्कबात में जब आइन को हम किसी के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, किसी लफ्ज के साथ, तो आइन की जो है ना बेसिकली तीन शक्लें बनती हैं, ठीक है। अब ऐसे शक्लों के मैं आप लोगों को, ब्लर तो नहीं आ रहा, शक्लों के वैसे मैं आप लोगों को नाम भी बता देता हूँ, लेकिन नाम जो है ना याद रखना इतना कोई जरूरी काम नहीं है, ठीक है। आइन फिनजानिया, दूसरे नंबर, दूसरे वाले जो शक्ल है उसका नाम है आइन स्वादिया, तीसरे वाले जो शक्ल है उसका नाम है आइन मुहैरा। खैर ये उसके क्रासे में लिखे, इस वजह से जो है ना ठीक है, इस वजह से जो है मैंने आप लोगों को खैर बता दिया एटलीस्ट, ठीक है। ये तीन शक्लें जो है आज हम कवर करेंगे आइन की, जो कि आइन के मिलाने में इस्तेमाल होती हैं। दो शक्लें जो है ना वो तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, वही जो है ना मेन आप लोग का बेसिकली जो है ना समझने का मकसद है। एक शक्ल जो कि थोड़ी सी फैंसी भी है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत कह लें चला भी है, ठीक है, कुछ खतातों का, तो उसको बेशक आप फिलहाल के लिए छोड़ दें, लेकिन जाहिर है क्रासे में भी लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना उससे देख के भी मश्क करनी है। आप लोगों को जो है ना आइन की आज शक्लों के, अच्छा आइन जो है ना आइन आइन की पहली शक्ल के ऊपर आते हैं, पहली तो नहीं खैर इधर पहली है, लेकिन मैं जो आप लोगों को पहली बता रहा हूँ वो इस वजह से पहली वाली बता रहा हूँ कि ये हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह करके आइन का पहला पार्ट बनता है, आप लोगों को पता है इस बात का। अच्छा पहले पार्ट की तो मेजरमेंट आप लोगों को याद ही होगी, ये एक खताते है। अच्छा ऊपर कितने खताते हैं, याद हो किसी को, कितने खताते हैं, किसी को नहीं याद, 1 2 3
ठीक है, ये अब तक जो है ना पहले वाला ही है बेसिकली, कुछ जो है हमने इसमें नया और मुश्किल जो है ना नहीं पढ़ा अभी तक। के बाद आपको पता है यहीं पर ही कलम रखते हैं, और आई थी क्योंकि मैं दरमियान किसे बिल्कुल, देखें बिल्कुल मैं यहां पर एक खत लगाऊंगा 80 के एंगल पे, सीधा कलम नहीं बिल्कुल। देखें फिर इसके साथ हमने बा अटैच करनी हो। ये आइन की कौन सी शक्ल है, ये आइन की कौन सी यानी वो है, आइन है ये आइन सौदिया। ठीक है, अब आइन सौदिया बेसिकली वही है जो हमने मुफरदात में की थी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं नहीं, अब देखें इसको मैंने आइन के साथ बा अटैच करनी थी, मैं पीछे ले गया, अगर मैंने इसको दायरा बनाना होता मैं यहीं से ही इसको पतला करके नीचे ले आता, और यही जो है आइन का जो है ना दायरा बन जाना था। ठीक है, ये बेसिकली वही है, आप इसमें कोई कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीज आ गई, वही शेप है, वही 80 पे एंगल रख के एक कत आगे लगा के, और जो है यहाँ से, और इसके दरमियान वाला गैप आप सबको पता है कितना होता है, दो कद आते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब इसके साथ बे अटैच करनी थी, आगे बे लगाने का तो वही उसूल है आपको पता ही है, ये उसी तरह यहां से नहीं ऊपर नोक नहीं निकालनी, नोक से ही ठीक है, ये हो गई आपकी आईन सौदिया, समझ आ गई, अब तक वही शक्ल थी। ठीक है, अब एक और आईन आप समझे, आईन पिंजानिया, ये मैंने पहले नंबर पे इसलिए लिखी थी क्योंकि पहले जो है ना पहले लिखी जाती है, यानी आईन अलिफ जो है ना आईन अलिफ में यही शक्ल होती है। ठीक है, जबकि आईन बे में ये वाली शक्ल आ जाती है, यानी ये वाली चीज होती है ना, इसकी वजह से जो है ना आईन सऊदी है, आईन बे में वैसे कली मुहैया होती है, लेकिन ये भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, आईन बे में ये भी लिख सकते हैं, और इसके साथ एक और मैं बताऊंगा भी वो भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। अभी आप ये देखें आईन फिंजानिये पे जो आईन की अलिफ में एक और शक्ल आ जाती है, अच्छा नई शक्ल का जो है ना पहला पार्ट उसका भी सेम है, देखें पहला पार्ट वही सेम है, कोई चेंजिंग नहीं, तो उनकी जो है ना आप ड्रॉइंग कर लें प्यारी सी, एक ही जो है ना ये देखें, ये जहां से मैंने स्टार्ट किया इससे थोड़ा सा ऊपर है, इसके बिल्कुल बराबर यहाँ पे ना लाके चौंतीस की खत्म करें। ठीक है, मेजरमेंट आप लोगों को पता ही है, एक कत और ऐसे ऐसे कितनी, तीन कत। अच्छा अब इसमें देखें, इसमें एक कत के बाद ही लाइन आ जाएगी आपकी, उसमें कहाँ से लाए थे हम, हाफ कत, डेढ़ कत से, सॉरी इसमें एक कत से, देखें यानी हमने ये जो पार्ट था हम लेके आए थे, हम कहाँ पे रोका था, दो कद पे, ओ सॉरी डेढ़ कद पे, ये जो हम यहाँ पे रखने के बाद ऐसे लाए थे, ये मैं दोबारा बता के बता दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, ये जो है ना मैंने डेढ़ कद पे रोका था, लेकिन यहाँ पे हम एक कद पे रोक रहे हैं, देखें इसकी शक्ल कैसी बनती है, यहीं पर ही कलम रखें, ठीक है ये, और अब दूसरा जो स्ट्रोक आएगा उसमें भी डिफरेंस है, यानी वो भी ऐसा नहीं है कि जो हम जैसे इसमें लेके आ रहे हैं ऐसे नहीं उसमें लेके आते। ठीक है, इसमें जो लाने का तरीके कार है वो थोड़ा सा, एक तो पहली बात उसमें जिस तरह गैप देख रही हैं आप कितना, ठीक है ये खैर थोड़ा और पीछे से आ जाता ज्यादा अच्छी शेप बन जाती, इसमें जो है ना ये जैसे देखें एक कत का गैप आ रहा है इसमें और करीब से बन, इस वाली आइन में देखें अब आइन अलिफ बनाना, इसी को जो है ना ऊपर ले जाएंगे दरमियान में आधे कद का गैप छोड़ के, जिस तरह जी में छोड़ते हैं, ठीक है ऊपर से सेम टू सेम वही शेप है, बस जो है यहाँ से चेंज हुई है, इसको भी जो है ना यहाँ से थोड़ा सा और पीछे से लाते, यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना और स्पेस बचती तो आइन की जो है ना पूरी शेप बनती, लेकिन मेन चीज इसमें आप लोगों को मेन फर्क समझ आ गया कि नहीं आ गया, देखें इसमें उसमें जो है ना हम यहीं से उठा के यहाँ तक लाए थे डेढ़ कद तक, ठीक है इसमें मैंने एक कद तक लगाया, अंदर इसके भी दरमियान में देखें दो कद ही आएंगे पूरे,
और दूसरी फर्क इसमें ये है वो ये कि देखें इसमें गैप कम है दोनों में, इसमें गैप दोनों में ज्यादा है। अच्छा जो तीसरा एक और बहुत वाजह फर्क वो ये कि मैंने आपको बताया इस वाली आइन में हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, यानी ऐसे इस वाली आइन में हम ऐसे आ रहे हैं ऐसे रखे, ठीक है, एक में ऐसे एक में ऐसे, ये फर्क है दोनों का, ठीक है। इस वाली शेप को देखें, ठीक है, ये जो शेप्स है ना इनमें फर्क है। तो फिर जो है इस शेप को पहला पार्ट जो है बेसिकली सेम है, दूसरा आपको मैंने यहां पे रखे, यहां पर नहीं, आप लोग यहां पर रख देते हैं, देखें थोड़ा सा करीब से गैप कम से कम रखना है, समझ आ रही है? कोई अगर कोई चीज समझना है तो पूछ लेना आप लोगों ने, ठीक है। और अलिफ को देखें वही चीज है, हम इसको कैसे हल्का सा तिरछा लेंगे, ये देखें फर्क समझ आई? इन दोनों शेड का तो आपको वाजह फर्क पता चल जाना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में जो है ना आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ही रहनी चाहिए, ये मैं अब जो है ना बता रहा हूँ, इसका जो है ना लिखते वक्त खास ख्याल रखना आप लोगों ने, आइन की जो है ना ये शक्लें इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके जो है साथ ही मैं दूसरी वाली भी एक दफा बनाऊं, लोगों को थोड़ा सा क्लियर बात हो, कौन सी शक्ल है, इसका क्या नाम बताया था मैंने, नाम याद कर लें तो अच्छी बात है। ये है फिनजानिया, इस वजह से मैंने इसको नंबर वन पे लिखा था, यहाँ ही अलिफ में इस्तेमाल होती है, सबसे पहले आती है फिनजानिया ये, ठीक है। अगर सऊदिया में लिखूं, हेडिंग आ गई, चलो देखिए दो का तक हम जाएंगे, डेढ़ का तक, सॉरी, ठीक है, और कम गैप नहीं ज्यादा गैप थोड़ा, ठीक जी में भी जो है ना यही आएगी। और देखें आगे सेम उसी तरह, यहां से नहीं ओवरलैप करके ही, जाहिर है हम थोड़ा पीछे से लेके आ रहे हैं, इस वजह से देखें ये वाला जो पार्ट है इससे आगे होगा हमेशा, ठीक है, यानी दरमियान में थोड़ा गैप है, इन दोनों का एंगल सेम नहीं होगा। अच्छा तीसरी जो शक्ल है मुहैया, को देखें अगर अलिफ के साथ जो है ना करासे में जैसे लिखी हुई है, ये मिलाकर भी लिखी जाती है, ठीक ये, होता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद देखें इसके जो है हम यहां पर ही कलम रखेंगे। अच्छा अब इसके बाद जो है ना आपकी मर्जी, अगर आप ऊपर उठा रहे हैं लफ्ज तो फिर कौन सी शक्ल आएगी, आपको पता है फिनजानिया, अगर आप आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, इतनी तो ऐसे आप लोग को अब सेंस आ जानी चाहिए कि मैंने बताया हुआ है, अब आप लोग का आइन अलिफ से देख के पता लग जाना चाहिए आइन की ये वाली शक्ल जो कि फिनजानिया, ये किस में आएगी, जो आइन के बाद ऊपर उठ रहे हैं, आइन अलिफ हो गया, आइन दाल हो गया, आइन लाम हो गया, आइन काफ हो गया, ठीक है, इनमें आई आइन की वाली शक्ल जो आइन के बाद ऊपर उठ रहे हैं, इसी तरह आइन लाम अलिफ हो गया, ठीक है, आइन एक हा होता है हल्का सा ऊपर उठता है, ठीक है, इस वाले में आइन की वाली शक्ल आती है, और इसमें कौन सी आएगी जो आइन के साथ 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 चल रहे हैं, आइन बे हो गया, ठीक है, आइन सीन आ जाता है, ठीक है, आइन स्वाद आ जाता है, ठीक है, इसी तरह आइन क्वाब इसी में आ जाता है, और आइन आइन आ जाता है, आइन फा आ जाता है, आइन क्वाफ आ जाता है, आइन मीम जो आइन के साथ 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 चल रहे हैं नीचे जा रहे हैं, आइन देखें नीचे चलने वालों में भी तो जीम आया, ये नीचे चल रहा है, ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ से ऊपर उठा दूँ साथ ले जाऊँ बे अटैच कर दूँ, ठीक है, ऊपर लेके जाके बे अटैच कर दूँ, या फिर मैं इसके साथ और आगे लेके जाके फा अटैच कर दूँ, काफ अटैच कर दूँ, ठीक है, वाव अटैच कर दूँ, तो यही शक्ल आएगी। अब ये आपके ऊपर है, आपने ऊपर इसको लेके जाना है कि
साथ साथ चलाना है, ठीक है, समझ आ गई इस बात की। अब फर्ज करें मैं आइन बे लिखने लगा तो कौन सी शक्ल आएगी, बता सकता है कोई? मैं यहां पर बे लिखने लगाऊं, ये समझ आ रही है किसी को कौन सी शक्ल आएगी? जी अनजानिया है, और अगर वा लिखेंगे तो उसमें सामिया होगा। हाँ सही बताया, बा लिखेंगे तो फिर उसमें हम आइन सौदिया लिखेंगे, ठीक है, और अगर वेरी जी क्या कहते हैं दा लिखेंगे तो फिर फिंजानी। वेरी गुड। ये थोड़ा सा देखें मैंने पीछे निकाला है, और ये देखें एंगल देखें कितना सीधा है, आप लोगों का दाल का एंगल ही ऐसा होता है ये, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ, पूरा ऐसे एंगल बनता है, ठीक है, ये चीज देखें ना आप लोग। ठीक है, इन शक्लों का जो है ना ध्यान रखना है आप लोगों ने, इसकी जो है ना मैं आप लोगों के साथ एक अब इसका भी एंगल देखें इसी की तरफ जा रहा है, ठीक है, आप लोगों जो एंडिंग बनाते हैं ना इसका एंगल भी आप लोग सीधा सा बना देते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ये भी गलत बात है। तो आइन की जो तीन शक्लें हैं ना बेसिकली यही हैं, ठीक है, और यही यूज होती है लफ्जों में। अब आपके ऊपर डिपेंड कर, आप ऊपर वाला लफ्ज लिख रहे हैं आगे वाला लिख रहे हैं, ठीक है, आपको इसमें जैसे मैंने बता दिया इसमें आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखें मैं अगर चाहूं तो मैं ये था ना, अब मैं देखें मैंने देखें ये वाली चीज जो है डिफरेंट है, ये वाली चीज डिफरेंट है, ठीक है, ये बे अटैच किया तो ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर जानिए वरना तो दिया, ठीक है, तो ये बेसिकली शक्लें हैं, और इनको जो है आपने याद भी रखना है, उनके दरमियान फर्क करना है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल इससे पहले आप लोगों को जो है इसकी इन शक्लों के बारे में इनके फर्क के बारे में पता होगा, ठीक है, किसी को पता था नहीं पता था ना, तो फिर अब जो है ना ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए इनके बाद जो ऊपर जा रहे हैं देखो जो है फिर कौन सी आई थी, हरी सोनाली को मच्छर इनका तो होते हैं ना ऐसे का, ये देखें ऊपर ऐसे, ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखें। इन जानिया में हम एक कच्चे इसको, और यहाँ पर भी गैप कम, इतना आसान नहीं है इनका पहला शक्ल बनाना, इसके लिए मश्क चाहिए, प्रैक्टिस करें, लेकिन इंशाल्लाह जो है आपके लिए चीजें जो है ना बड़ी आसान हो जाएंगी फिर। नाम आ गया आपका, ठीक है, इसको यहां से ना थोड़ा सा और राउंड करके बनाना है आप लोगों ने, ठीक है, इसमें ये वाली शक्ल आई है, ठीक है। आइन रॉ अच्छा देखें कुछ आप लोगों को शक्लें जो है, चाहे आप लोगों को अगर कोई चीज मुश्किल लगे, मैं बात का पूरी तख्ती नहीं लिख पाता क्योंकि टाइम कम होता है, ठीक है, लिखने में जो है टाइम लगता है, और शक्लें आप लोगों को बता दिए, बाकी आप देखिए अगर फिर भी मुश्किल लगे ना तो आप लोग मुझे बता दें, मैं जो है ना तख्ती की एक वीडियो रिकॉर्ड करके ना पूरी तख्ती लिख के मैं वो अपलोड कर दूंगा, मुझे बता दिया करना आपको जो भी कोई भी इशू हो मसला हो बताएंगे तो देखिए मुझे पता चलेगा। अब इसमें स्वादिया वाली शक्ल आएगी, डेट कट से जो है हम रॉ लिख रहे हैं, और यहाँ पर भी देखें गैप ज्यादा आएगा, इसमें देखें गैप कम है, सामने बनाता हूँ बल्कि, ठीक है, यहां से मिला, अब रॉ लिखेंगे हम, देखिए थोड़ा सा ना दो कद तक बेशक इसको सीधा ले आए, ठीक है, अब जो है ना रॉ का
आखिरी पार्ट आपको पता खम के साथ आता है, समझ आई? नहीं है, ये देखें सीधा आ रहे थे, सीधा आ रहे थे, सीधा आ रहे थे, कैसे यहाँ पे हल्का सा खम आया, ठीक है, यानी थोड़ा सा बेंडिंग सा गया। खत्ते सुलस की यही खूबसूरती है, और यही काम करना मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो कोई नहीं, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये काम भी जो है आप लोगों से हो जाएगा। आप लोगों का खैर जितना लेवल है और जिस तरह आप लोगों ने काफी उन्हें बेसिक से स्टार्ट किया, पहली दफा कलम पकड़ा, उस हवाले से आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, ठीक है, पहले से बहुत अच्छा है। बाकी इंशाल्लाह जो है मजीद ही बेहतर हो जाएगा। आप लोगों को जो है मैंने ग्रुप में जो है ना मैंने एक सूरह फातिहा लिख के सेंड किया, बेसिकली जो है ना वो आप लोगों का सिलेबस भी है वो, ठीक है। तो सूरह फातिहा की जो है ना हर बच्चे को करें, प्रैक्टिस करें, उसे देख देख के लिखें, बार बार लिखें। मैंने खाली जो है ना ये सर से मैंने चेक करवानी थी, तो ये मैंने जो है ना सूरह फातिहा कोई 10-20 दफा जो है ना मैंने प्रैक्टिस करने के बाद लिखी थी, ठीक है। तो आप लोग भी इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसको बार बार ऑब्जर्व करें कि कैसे लफ्ज जो है जोड़े गए हैं, ठीक है, कैसे उनका कहाँ से क्या जो है वो बनाया गया है, कैसे उनका जो है पेवन जोड़े हैं, और कैसे जो है डिफरेंट शेप्स हैं, वराइटीज हैं, लफ्जों को हमने मिलाना है। पूरी सूरह फातिहा को ऑब्जर्व करें, एक एक आयत इंडिविजुअल जो है ना उसको गौर से ऑब्जर्व करें, फिर उसके बाद लिखें, ठीक है। लेकिन पहला पार्ट एकत का आ गया, आप लोग ये देखिए ये हाफ कत की गहराई है, आप लोग ये गलती कर देते हैं, ये फिर ये, ठीक है, ये देखें पूरा एक कत गहराई बहुत ज्यादा बना देते हैं, गहराई कभी भी इतनी ज्यादा नहीं बनाते। अगला पार्ट एक कत से बड़ा, यानी इससे बड़ा जो हमने अभी बनाया है, ये स्टिल जो है हाफ कत का, ठीक है। दायरा भी देख लें, दायरा जो है ना खत्ते सुलस का आइडियल दायरा आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ से जो है 2 कद होते हैं, यहाँ से बेसिकली 1.5 कद आते हैं, ये पूरे 2 कद, 5 कद, और नीचे इसी तरह 1 कद। आइन की जो है तख्ती की आपने जो है अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, आइन हाँ लिखने लगा था दरमियान में जो है ना मेरा इरादा बदल गया, इसकी दूसरी वाली शक्ल बनानी थी, पहली वाली बन गई है। इसमें ना इसकी आप वैसे भी ड्राइंग कर सकते हैं कि पहले नीचे वाली लाइन बिल्कुल सीधी ले जाएं, ठीक है, पहले खैर बिल्कुल ही सीधी ले जाते हैं, ये हल्की सी बिल्कुल सीधी लेके जाके मैंने हल्का सा निकाला है, इसी को पीछे से लाए और ऐसे ये देखिए आइन के जो है ना ये आपका ऊपर वाला हिस्सा बन गया। अब यहाँ पे कलम रखना है, यहाँ पे, ठीक है, इसको आप एक बार में जो है ना इसकी इस तरह करके कलम से जो है ना फिलिंग कर दें पूरी, आइन हाँ बनाने लगा हूं मैं, यहां से कोशिश करें पूरा आधा कलम लगाएं, ठीक है, इसकी जो एंडिंग होती है ना उसमें पूरा कलम नहीं लगा होता, तो आप भी कोशिश करें पूरा कलम ना ही लगाएं, ठीक है। काफी तरीकों से जो है ना बनाते होते हैं खतात के जो चौड़े, मेरी एक तरीके पे प्रैक्टिस और मेरी जो है ना उससे बन जाती होती है, वो यही है कि मैं इस तरह बनाता हूँ, ठीक है, कुछ जो है ना पूरी कंपास मूवमेंट करते हैं, यहाँ पर रखे पूरा जो कलम ही है ना उसको ऐसे, ठीक है, यानी उनकी बनती सही है ऐसे करके, मेरी नहीं बन रही ना, तो इसी तरह करके जो है ना आइन की 3 शक्लें मैंने आपको बता दी हैं, यही शक्लें बार बार रिपीट होगी, आगे कुछ नया नहीं है, ठीक है, आगे देख के परेशान ना होकर। आइन का सिर्फ ये वाला पार्ट मुश्किल है, बाकी कुछ मुश्किल है ही नहीं। दायरा आप मुझे बताएं, जी में नहीं दायरा बनाया आपने, ठीक है, इसको आप इस तरह कर लें, जी में नहीं दायरा बनाते आप, ये बे है तो हम कब से लिखते आ रहे हैं, वही अलीफ है, वही दाल है,
वही बाल ठीक है, इसी तरह वही आगे रॉ एफ एम के साथ वही सीन है ठीक है, सारी वही चीजें हैं। तो कुछ जो है ना हम इधर नया काम नहीं कर रहे, नया काम वही था जो हम पहले कर चुके हैं, तो इसको जो है देख के बिल्कुल भी जो है ना वो होने की जरूरत नहीं है परेशान की, पता नहीं नया क्या हमने पढ़ लिया, कुछ भी नहीं आपने ऐसा पढ़ा ना है कुछ मुश्किल, और यही जो है चीजें हैं। बाकी एक बात और जो मैं आप लोग कह रहा था वो ये कि देखे मैंने आपको जो है ना फफी में लिखना बताया है, फफी में जैसे हम लिखते होते हैं एक लाइन में ठीक है, अब देखें जैसे इसी तरह जो है ना आपने देखें तख्ती लिखनी है, इधर भी देखें कैसे आइन की पहली शक्ल आइन फिंजानी दो कद के साथ, ये देखें एक कद से नीचे आ रही है, यहाँ से अगर मैं लाइन लगा के बताऊं यहाँ से भी आपको समझा दूं एक कद से ठीक है, ये देखें यहाँ पर अगर दाल लेके जाना होता फिर ये वाला जो पार्ट है ना ये यहाँ पर अटैच हो जाता और ऊपर उठ जाता ठीक है, ये देखें नीचे आने वाले में भी यही शक्ल, साथ चलने वाले में भी यही शक्ल, नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है साथ साथ चल रहा है उसमें भी ये ठीक है, दाल में देखें ऊपर एक कद से उठ रहा है अच्छा, और किसी में ये देखिए इसमें ऊपर तीन कद बने हुए देखें डेढ़ कद ठीक है, तो ये फर्क है, फर्क बेसिकली थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फर्क इतना है कि अगर आप अपने काम में सफाई रखना चाहते हैं ना तो ये फर्क आपने जरूर मेंटेन रखना है। मैं जो है ना एक मिनट इसकी एक मेरे पास एक जो है ना पिक्चर पड़ी हुई थी मैं ढूंढ लूं, आप लोगों को वैसे समझ तो आई गई होगी ठीक है, कौन सा पेज था मिल जाए मुझे, वो जो है ना उन्होंने बड़ी प्यारी जो है ना एक मिल ही जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, चलिए खैर मैं जो है ना आप लोगों को ढूंढ के जरूर भेजूंगा, और हालांकि मैंने पता नहीं सेव भी की थी, कहने का मकसद यह इनकी जो है ना बेसिकली यही तीन ही जो है ना शक्लें हैं, और चलिए एक और जगह से मैं ढूंढता हूँ, वो पेज लगता है इधर उधर हो गया मिल ही नहीं रहा, चलिए लोगों वैसे समझ तो आ ही गई होगी, चले मैं एक और जगह से लास्ट ट्राई करने लगा हूँ, यहाँ से मुझे उम्मीद है मिल जाएगी। हाँ स्पेलिंग गलत लिख रहा था, मिल गया मुझे मिल जा, चलो तुर्किश कतादों का काम देखें इतना खूबसूरत काम होता है, अच्छा पता नहीं किधर है कोई नहीं मिल रही, तो चले खैर है जी, वीडियो मैंने क्लोज की हुई थी मैं वो जो है ना चल गैलरी में जाके ढूंढ रहा था, अच्छा खैर है ठीक है, अच्छा आप लोग आइन की शक्लों की समझ आ गई, जो मैंने आपको जो बेसिकली बताई है ना वही शक्लें हैं ठीक है, कोई इसमें जो है ना नई बात नहीं है, अच्छा आप में से कुछ बच्चे जो है ना इकरासी का पूछ रहे थे मुझे जो है ना कहाँ से मिलेगा, अगर किसी को चाहिए हो ना तो है मुझसे बता दीजिएगा, मैंने उनको एक ग्रुप का लिंक भेज दूंगा एक स्टोर का ठीक है, वहां से तो है ना परचेज बेशक कर लें, आप लोगों को फिजिकल कॉपी भी मिल जाएगी, बाकी इसका पीडीएफ तो मैंने भेजा हुआ है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लें अगर आप ज्यादा हार्ड कॉपी अपने सामने चाहते हैं, अगर आप खत सुलत सही तरह सीखना चाहते हैं ना सीरियस से तो ये जो है ना आप लोगों के लिए काफी मुफीद रहेगा ठीक है, इसको बार बार देखें चीजों को ऑब्जर्व करें, मैं खुद ठीक है अभी आप
अंदाजा लगा लिया। नहीं मैं खुद जो है ना जब चीजें गौर से देखता हूँ ना, मुझे इतनी नई नई चीजें पता चलती हैं कि अच्छा यहाँ पे एक आता है, इसकी शक्लें डिफरेंट है। ठीक है अभी तो एक और थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आप लोगों को जो है ना फिर कभी बताऊंगा, वो अभी मैं बता नहीं रहा, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सब में आइन सौदी है, इसमें आइन फिंजानिया भी पहली वाली आइन, ठीक है ये इसके दरमियान में देखें नस्क लिखा, खाते नस्क है, छोटा छोटा सा लिखा जाता है छोटे कलम से। ये देखें ये आ गया आइन फिंजानिया, आइन फिंजानिया ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, जो नीचे जा रहे हैं साथ साथ चल रहे हैं उसमें आइन सौदी ही है। अच्छा ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखें ये जिस तरह लिखा है ना, ये है खते सुलस आदि या खफी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है ना इस तरह लिखने का मैंने आपको बताया था, कैसे एक लफ्ज का किनारा दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। ये देखें वाओ को कैसे, वाओ अगर इंडिविजुअल लिखें तो वाओ की आपको पता है एंडिंग यहाँ तक आती है, समझ आ रही है मेरी बात की। वाओ को इंडिविजुअल अगर हम लिखें ये वाली एंडिंग यहाँ तक आती है, लेकिन जब अगला लफ्ज साथ अटैच है रॉ, तो फिर देखें ये इसके साथ देखें वाओ का ये पार्ट बेसिकली है जरूर, लेकिन इसके अंदर जो है ना मर्ज हुआ हुआ है, मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है, इस तरह करके आप लिखें लफ्जों को मिलाएं। देखें ये शेप आपको मैंने पढ़ाई है तो आ की शेप पढ़ाई है, देखें आपका एक लफ्ज बन गया। आप इस तरह मिलाना सीखें, इस तरह मश्क करें, आप लोग के लिए आसानी होगी, ठीक है। बजाय इसके कि आप सर्कल में जो है कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन बनाएं, वो भी ना आप लोग को सिखाई और वो भी आप लोग को मुश्किल भी होंगे, ठीक है। इस तरह लाइन में लिखने की कोशिश करें और इसी को जो है ना अपना वो बनाएं आप तरीके का, एक दफा जो है ना आज बिस्मिल्लाह की जो है आप लोगों को मस्त करके दिखा दो। ये थोड़ी छोटी कलम बोल रहे थे, कलम जो है ना थोड़ी बड़ी है ये रही। अच्छा आइन का तो नहीं किसी को कुछ समझ आया, आइन का किसी को कुछ अगर नहीं समझ आया, कोई मुश्किल है, कोई किसी ने कुछ पुराना पूछना तो ना पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज दो चश्मे वाली हाँ बनाकर दिखाइएगा, उसमें प्रॉब्लम हो रही है मुझे। जरूर एक मिनट, अब मैंने जो थोड़ा सा शुरू किया ना मैं पूरा कर लूँ, मैं ठीक बना है देता हूँ कंप्लीट कोई बात। कर लें फिर उसके बाद। हाफ ऑफ करता गया इस तरह, बा और सीन ही हम लिखते हैं तीन खत का। अच्छा बा सीन में भी अब देखें एक फर्क है, बा सीन में ये पार्ट हम इतना बड़ा नहीं बनाते, जो बिस्मिल्लाह लिखते हैं उसमें ये पार्ट हम और भी बड़ा करते हैं इसको। उसकी वजह ये है मीम जो है ना बहुत हम आगे लेके जाते हैं, उसको लंबा करते हैं, इस वजह से उसको जो ना स्पेस चाहिए। अब यहां से देखें ऊपर उठाया मैंने, कैसे देखें ऊपर को उठाया और यहीं से ही मिला के ये आखिरी जो आपको पता थोड़ा सा बड़ा होगा डेढ़ कद जितना। अब जो सीन है ना हम इसमें यहीं से ही इससे जो है ना बेसिकली नीचे से मैंने लेके जाना है, और इसी के जो है ना बराबर लाके मैंने जो है ना इसकी मीम मिला देनी है। मीम देखें ये इस वाले मीम को बनाने के दो तीन तरीके हैं, आप लोगों को बताएं, आप इस तरह भी बना सकते हैं। कलम का किनारा थोड़ा सा तंग कर रहा है, आगे वही रॉ वाला पार्ट। अलिफ लिखेंगे, लेकिन आप लोग देखें मुफरदात की मश्क कितनी जगह पे काम आती है। अच्छा एक और बात, अलिफ का जो ताज है थोड़ा बड़ा होता है, अगर हम ये ताज दाल के ऊपर डालेंगे तो ये बेसिकली छोटा बनेगा, या इसी के ऊपर ये छोटा है, ठीक है। अलिफ वाला ताज बड़ा होता है हमेशा, ठीक है, अलिफ वाला ताज छोटा नहीं होता। चल लफ्ज अल्लाह को देखें, लफ्ज अल्लाह जो है ना खत्ते सुलस में लिखना सीखें आप लोग। इनका इन दोनों को बराबर रखना है, नीचे लाएंगे यहां से और इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, और ये वाला पार्ट कितना रखना होता है आपको पता है, ये जो कत लगाया था यहां पर एक कत, ऊपर भी ऊपर डेढ़ कत, और यहां पर दो कत जितना गया।
और ये यहाँ तक, ठीक है। और इसके दरमियान जो है ना गैप बहुत कम रखना है आपने, इसको यहीं से जो है ना नीचे ले आए, ये वाला गैप ज्यादा आएगा, 2 कद जितने ही। ठीक है, यहाँ पर देखें गैप ज्यादा ऐसे, इसको अगर सीधा लाने को यहाँ पर हाफ कट, यहाँ पर हाफ कट, ठीक है। इसकी जो है ना अब ये एंगल और ये जो मयरमेंट बन रही है ना, इनको बनाने में जो है ना ख्याल रखें, अलिफ सेम देखें दोनों के दरमियान, देखें मैंने इसकी डिस्टेंस जो है ना सेम रखा है, और दोनों तिरछे हैं, दोनों सीधे नहीं है, ठीक है। दोनों के आप एंगल देखें, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जो मर्जी मैं रॉ मिला लूं, तो फासला देखें मेरा फासला कम होता है, आप लोग यहाँ से लेके आ रहे होते हैं इसको, ठीक है। और अभी जो है ना मैंने मीम इसके साथ मिलानी है ऐसे करके, वही जी मजमुआ का पहला पार्ट आएगा, तो थोड़ा सा और अगर नीचे ले जाता ज्यादा अच्छा बन जाता। अब मीम की तरह नहीं, वो रॉ की तरह नहीं बनाना इसको, मीम की तरह रॉ की तरह पूरा लेके आ जाए कलम, ये नून और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। यानी अगर इधर रॉ होता तो मैं पता क्या करता, वो कुछ ऐसा होता है, इसमें देखें दोनों में फर्क देखें, इसमें पूरा कलम है इसमें नहीं, इसको नून बनाना हो तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये थोड़े थोड़े जो डिफरेंसेस है ना इनको देखा करें, कोर्स जो है ना ऑब्जर्व किया करें, यहाँ पर अंदर देखें 1 कद का गैप है, लेकिन ये वाला जो गैप है ज्यादा है, ये कम है, यहाँ पर जो है ना इसी को यहाँ पर आप मीम बनाएंगे, ये और ये जो रॉ है मीम के साथ जाके अटैच होगी, इस जगह पर जो है ना अलिफ आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक नून का नुकता अंदर आ जाएगा, कलम के नोके ऐसे अलिफ सही तरह बनी नहीं रहा। तो यहीं से ऊपर उठा दे जीम की, वही वाली जो शक्ल आपने पढ़ी है, ये थोड़ा ज्यादा मोटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ये जीम या वाला भी बना रहे हैं, ये इसी की सीध में ही यहाँ से इस तरह करके मीम अटैच कर दे, ये वाली बिस्मिल्लाह आप लोगों ने मैंने वैसे पहले ही बताई हुई है, आप लोग के पास वैरायटी इतनी ज्यादा आ जाती है, ठीक है, फतेह सुलस में वैरायटी इतनी ज्यादा आ जाती है, वो ये कि यहाँ पर आप चाहें तो इसको यहाँ तक तक ही रोक दें, आप ये वाली थीम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, रवायती अंदाज में यही वाली लिखी जाती है ज्यादा, यानी सिखाते वक्त, इस वजह से मैंने इसी अंदाज में लिखी है बिस्मिल्लाह, ठीक है। इसकी जो है ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें, रब्बी यस्सिर की बहुत प्रैक्टिस करें। अच्छा, दो चशम हा का पूछा है, हा का भी सुन लें। देखिए पहला पार्ट खम के साथ आएगा, 3 कद का, समझ आई, इस पार्ट की ऐसे करके लाइन 3 कद की होती है, ठीक है। अच्छा, आप इसको जो है ना जो कुछ लोग बनाते हैं पहले ताज बना लेंगे, आप ऐसे करके भी बना लें, आपकी मर्जी, आपको जैसे सूट करता है, लेकिन अगले पॉइंट पर ध्यान दें, ये देखिए अगर मैं एक सीधी लाइन लगा रहा हूँ, इसको मैंने सीधा नहीं लेके जाना आगे, मेन गलती आप लोग यही कर देते हैं कि पहले पार्ट में आपने खम नहीं दिया, बिल्कुल सीधा बना लिया, खत्ते सुलस में इस तरह होते ही नहीं, हर चीज कहीं ना कहीं से कर्व आ रही है, ठीक है। आप लोग इसको सीधा ले जाएंगे, सीधा नहीं हल्का सा उठेगा, देखा आपने लाइन थोड़ी सी और नीचे लग जाए कि उठा हुआ है यहां से, क्लियर हुई है बात। अच्छा ये देखें मैंने इसे आगे जाके रोका थोड़ा सा, ठीक है, ये चीज भी देखें, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ना, यही देखा कि ना यही जो है ना आप लोगों को बाद में काम आएंगी। अब अगला कलम यहाँ पे रखे और मैंने इसके ऊपर से ओवरलैप करके यहाँ पे रोकना इसको, ये और यहाँ पे ही रखे, ये यहाँ पर जो जगह थोड़ा सा ऊपर से लाए इसका ताज बनाए, ठीक है।
और बेशक आप इसकी नोक बना देते हो, उसका शौकी नहीं बनाया, वरना मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इंडिविजुअल नहीं लिखी जाती, इस वजह से इसके साथ दूसरी हाँ भी जोड़ लें प्रैक्टिस के लिए, तो ज़्यादा आसानी है आप लोगों के लिए। ठीक है एक दफा और देख लें अगर आपको पूरी मुश्किल है, पहला पार्ट थम के साथ। देख रही है कैसे इससे मैंने आगे लेके गया हूँ, बिल्कुल बराबर नहीं रोका इसके, भी देखें बिल्कुल ऊपर से ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर रोका जाएगा और यहीं से ही ऐसे। ठीक है, और ये इसका ताज है, इसके अंदर देखें यहाँ पर जो है ना पूरा एक जो है ना ट्रैप होता है। ठीक है, और ये वाली शेप भी देखें आप, इस लिहाज से इसकी शेप बनती है, देखिए नीचे से हल्का सा उठा हुआ है, यहाँ पर हल्का सा खम है। ठीक है, आप इसके जो है ना इन कतों का ध्यान रखें और अच्छी तरह मश करें, आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। ये वाली जो है ना इंडिविजुअल तौर पर ये वाली लिखी जाती है ज्यादातर। ठीक है, ये वाली जो है ना मिलाकर लिखी जाती है ज्यादातर। और तो नहीं किसी का भी क्वेश्चन, और कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना आइन की जो है आज हो गई है। इंशाल्लाह कोशिश करें आयात भी जो है ना आप लोग लिखते रहा करें, इसकी भी जो है ना मश जारी रखें, और आप लोगों का काम काफी होगा, अच्छा जा रहा है। ठीक है, बस वही बात है, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, काम आप लोगों का अच्छा जा रहा है, रुकना नहीं चाहिए, जिस तरह आप लोगों ने स्टार्ट किया है इसी तरह जो है इसको एंड भी करना है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि 36 जो है इतना आसान है ही नहीं। ठीक है, मैंने दोबारा तो मैंने सोचा कि मैंने इंशाल्लाह जो है 36 का एटलीस्ट कोर्स नहीं करवाना। ठीक है, इसको एक तो टाइम बड़ा चाहिए होता है, इवन 3-4 महीने भी कम है इसके लिए लिटरली अगर मैं कहूँ, वरना मेरा इरादा था तख्तियां जो है ना हाफ ऑफ करके करवाऊंगा, लेकिन जाहिर है बच्चे इतने शौक से कर भी नहीं रहे, और करना जो है फिर उसके लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए, जाहिर और लंबा हो जाएगा, इतनी तो तख्तियां, और उसके बाद फिर दूसरी प्रैक्टिस भी आ जाती है, क्योंकि इसके लिए जो है आपको बताया मश ज्यादा चाहिए। ठीक है, टाइम जो है ज्यादा चाहिए, डिटेलिंग बहुत है, देख लें कोई भी जो है ना पार्ट कलम का सीधा नहीं है, कैसे आप कलम को हिलाते हैं, यानी हर चीज में हल्का हल्का खम है, छोटी छोटी डिटेलिंग है, तो आप खुद इससे अंदाजा लगा ले कितनी इसमें डेप्थ है और कितना ही जो है बाकी सब कुछ है। तो आप सबकी जो है प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बस आप लोगों से जो है ना मेरी यही दरख्वास्त है कि इसको जो है अपनी मेहनत को जो आप लोगों ने की है यहाँ तक आए, इसको छोड़ना नहीं है, मेहनत जो है आप लोगों ने जारी रखनी है। ठीक है, और बाकी चीजें जो है वो तो आप लोगों की चलती रहती हैं, दुनिया के काम, ठीक है, उसी के दरमियान से जो है ना आपने इसको मैनेज करना है। इसके लिए कोई समझते हैं बच्चे के ना अलग से कोई टाइम निकालना, देखिए अलग से नहीं, जो आपकी रूटीन है उसी के अंदर से जो है ना इसका टाइम निकलेगा आपका। अच्छा, आप एक और एंगल देखें कैसे, देखें अलीफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, कोई यहाँ से कनेक्ट करना है, ये वाला जो अलीफ है ना वैसे इसके अंदर लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ नुक्ते लगे हुए थे ज्यादा घिचमिच हो जाने, इस वजह से मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अपनी रूटीन में से ही ना इसको टाइम निकालें और अपने इसको रूटीन का पार्ट बना लें। ठीक है, अपनी रूटीन का पार्ट बना लें, इंशाल्लाह जो है आप लोगों को बेसिक चीजें समझ आ गई, आप लोग प्रैक्टिस कर करके, आप सब ऐसे सही बताऊं आप सब इतने काबिल हो गए, आप लोग प्रैक्टिस कर करके ना अपने आप को जो है ना आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप अपना खत जितना चाहे इंप्रूव कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, मैंने भी जो है ना मुझे किसी जो है उस्ताद नहीं थी कोई खास गाइडेंस नहीं दी खत से रिलेटेड, मैंने खुद से जो है ना क्लासे से देख के, ठीक है, थोड़ी बहुत जो है मश्क लेके और जो है ना कर करके मैंने खुद से जो है ना इतना प्रैक्टिस करके जो है ना मैंने अपना खत जो है ना अच्छा कर लिया। ठीक है, और अभी जो है ना इसको मैंने और इम्प्रूव कर लिया, तो आप लोगों के भी ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है आप जो है इसको कितना इम्प्रूव करें, कितनी प्रैक्टिस करें और कितने इसमें आगे जाएं। आप लोग देखें बच्चे ये समझते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब ये हम रुक जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए मैं आपको ये कहता हूँ मश्क जारी रखें, डेली मुफरदात की मश्क करें। ठीक है, कोई आयत वगैरह लिखें, साथ ही साथ आप दूसरा काम भी जारी रखें, आप अपनी पेंटिंग बनाते हैं आप वो करें, ठीक है, आप वाटर वर्क करना चाहते हैं वो करें, आप कोई फन पारा बनाना चाहते हैं वो भी बनाएं, आप रुके ना। ठीक है, आप फन पारा बनाए जैसा आपसे बनाया जाता है, इंशाल्लाह जब आप ज्यादा मश्क करेंगे, ठीक है, कुछ अर्से बाद आपका फन पारा उससे बेहतर बनेगा, फिर उससे बेहतर। ठीक है, तो जिंदगी बेसिकली है ये खताती की जो है ना
जो आपकी जर्नी हो बेसिकली है ये, आप परफेक्शन की तरफ सारी जिंदगी जो है ना स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। तो परफेक्शन जो है ना 100% परफेक्ट तो जाहिर है कोई है ही नहीं दुनिया में, तो जो है ना, लेकिन सताती में जो है ना 99% जो है ना परफेक्शन आप अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिस के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए। और सही गाइडेंस आपको मिल गई है, ठीक है। आपको तरीकेकार बता दिया, आपको मोस्ट ऑथेंटिक जो है मैंने सिलेबस से आप लोग को करवाया, लेके चलो स्टेप बाय स्टेप। बाकी आपके ऊपर आप कितने फीसद तक जाते हैं, अपने आप को आप 50 तक रखते हैं, आप अपना ज्यादा खून पसीना निकाल के 70 तक पुश करेंगे, 80 तक, 90 तक, 90 से ऊपर जो है ना फिर वो 1-1% भी जो है ना आपको जाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए, ठीक है। जेली की कंपोजिशन है वो बनाना जो है ना बहुत आगे की चीज है, ठीक है। तो पाकिस्तानियों में इसी वजह से जो है ना हत्या सुलह का काम बहुत कम देखने को मिलता है। एक ही खतात है मेरी नजर में पूरे पाकिस्तान में, एक या दो, ठीक है, दो आप कह लें, उनका भी काम अच्छा है, मुती साहब के, एक मोहम्मद अली जाहिद साहब है। बाकी कोई एक पाकिस्तान में हत्या सुलह में, हत्या सुलह की मैं मोस्ट स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, हत्या सुलह का कोई एक खतात देखने को नहीं मिलता, ठीक है। पेंटर होते हैं सब, जल्दी जल्दी में लिख देते हैं अपनी तरफ से आयत बना के लिख देते हैं, कोई ध्यान नहीं है कद का, मेजरमेंट्स का। तुर्कों का आप काम देखें, ठीक है, उसमें इन्होंने ऐसा काम किया है, उनकी कंपोजिशन देखें, ऐसी ऐसी एक्यूरेसी और मेजरमेंट्स होती है ना, बंदा हैरान परेशान हो जाता है लोग कैसे लिखते हैं। और उसकी मेन वजह यही है, जिस तरह वो सीखते हैं ना उस तरह हम यहाँ ना सिखाते किसी को, ना कोई सीख सकता। उसके लिए चाहिए सबर, ठीक है, साल, 2 साल, 3-3, 4-4 साल लगा के जो है ना वो सीखते हैं, तब जाके जो है ना उनके फिर फन पारे बनते हैं। इस वजह से जो है ना खताती में तुर्की और ईरान का बहुत नाम है, और हम जो है ना बहुत पीछे हैं रिवायती खताती में। हम जो है उनका काम कॉपी करते हैं, अपनी पेंटिंग वेंटिंग में जो है ना कंपोजिशन उनकी दे लेते हैं, जो पिंटरेस्ट से इधर उधर से कंपोजिशन ले रहे थे, बेसिकली तुर्कों की होती है, तुर्क खत्तात होते हैं, वो ओरिजिनल कंपोजिशन बनाते हैं, यहाँ पे जो है उनकी कंपोजिशन कॉपी कर लेते हैं और फिर उसको जो है चला रहे होते हैं, और उस पेंटिंग को ओरिजिनल पेंटिंग कहते हैं मेरी नजर में। तो लेकिन काम आपका तब ओरिजिनल होगा जब उसमें आपकी कंपोजिशन भी ओरिजिनल होगी, ठीक है। तो आप लोग इंशाल्लाह अगर खत्ते सुलस को थोड़ा अच्छी तरह सीखें, आप इंशाल्लाह इस काबिल भी हो जाएंगे, आप खुद भी अपनी कंपोजिशन बना सकेंगे। कंपोजिशन बनाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सीरियस हूँ। कंपोजिशन बनाने में दिन क्या, हफ्ते क्या, इवन महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। इवन ये सूरह फातिहा की करने में आप लोगों को तो खैर लिखी हुई नजर आ रही है, मैं करने में अच्छी खासी मैंने इसमें प्रैक्टिस भी की है। हालांकि इसमें जो है ना बेसिकली ये सिर्फ सिंपल, अगर मैं आपको दिखाऊं 1 मिनट, ये खफी में लिखी हुई है, ठीक है, सिंपल जो है ना ये बेसिकली खफी में लिखी हुई है। लेकिन इसमें भी जो है ना आप ये देखें, मैंने तरतीब बनाने में तो टाइम लगे ना, ठीक है, एक जो है तुर्क खतात बेसिकली जो है मैंने इनसे जो है ना ये देख के थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन इसमें भी देखें एक तरतीब तो है ना, तरतीब वो ये है कि देखें कैसे एक ही यहाँ से लाइन में आ रहे हैं, यहाँ से एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह लिखने में, तरतीब बनाने में जो है ना आपको टाइम लगता है, और ये तो अभी सिंपल सा लिखा हुआ है, अभी इसी को जो है अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन में करके लिखूं तो फिर जो है लग पता जाए बंदे, ठीक है। तो असल चीज जो आप लोग जो सीख रहे हैं ना ये असल चीज है, ये जो 1-1, 2-2 महीने में पेंटिंग सिखा देते हैं ना कोई बिल्कुल भी असल चीज नहीं है, बल्कि ये आपका खत इन उल्टा खराब कर देगी। जिसने पहले कलम से नहीं लिखा उसको डायरेक्ट ब्रश पकड़ा दिया, उसके लिए तो है ना मुश्किल ही मुश्किल है, ठीक है। तो बाकी जो है आप सबने जो है प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है, और नेक्स्ट क्लास जो आप लोग की संडे को होगी, ठीक है, उससे पहले जो है आप लोगों ने कोशिश करें आइन की तख्तियों को जो है क्लियर करें, और साथ ही साथ कोई ना कोई आयत वगैरह भी लिखें, आइन की तख्ती को जो है क्लियर करें, और इसकी जो है प्रैक्टिस आप लोगों ने मुझे चेक करवानी है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बात होगी। अल्लाह हाफिज़।